तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टर्न। ध्यान रखें पाइप्स एंड सिस्टर्न टाइम एंड वर्क की सीरीज का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पे हमने पहले टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन पढ़े। जो पहले तीन लेक्चर हैं हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पढ़े, जो चौथा लेक्चर था वो वर्क एंड वेजेस का था, और आज का जो पांचवा लेक्चर है वो पाइप्स एंड सिस्टर्न का है। मतलब हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन से डील करने वाले हैं जो पाइप्स एंड सिस्टर्न अगर आपको समझ में आता हो। चलिए देखते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न से हमारा मतलब क्या है। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि हमारे पास एक मैंने फिगर रखा हुआ है कि हमारे पास कुछ इनलेट पाइप है, यहाँ पे दो इनलेट पाइप है और दो आउटलेट पाइप है। तो याद रखें पाइप्स तो आपको समझ में आता होगा कि वो पाइप जिनसे पानी हमारे घरों में आता है, हमारी टंकी में आता है, और सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी। सीधी भाषा में सिस्टर्न का मतलब टंकी होता है, इसके हमारी टंकी में आता है। सिस्टर्न का इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता। कि अगर मैं बात करूं कि सिस्टर्न का मतलब क्या होता है, तो वो सीधी भाषा में सिस्टर्न का मतलब एक टंकी होता है। अब हमको देखना है कि पाइप्स एंड सिस्टर्न के सवाल सॉल्व किए कैसे जाते हैं। अगर आपने पहले टाइम एंड वर्क का लेक्चर नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर के बाद जाके उस लेक्चर को जरूर देखें। अगर फिर भी अगर आपको अभी सीधे इस क्लास को अटेंड करना हो तो भी आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए हमारा जो पहला सवाल है, इनको सीधा सवालों के थ्रू समझते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक को समझने का। हमको क्या बोलता है, एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 5 आवर। इन व्हाट टाइम द पाइप एम्प्टी 2/5 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यहाँ पे बात कर रहा है, पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं। एन आउटलेट पाइप मतलब एक ऐसा पाइप जो पानी को बाहर निकालने का काम करता है। पानी भरने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक ऐसा पाइप जो पानी को बाहर निकालने के लिए बना होता है, वो उस टंकी को, सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी, वो उस टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। इन व्हाट टाइम द पाइप एम्प्टी 2/5 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न। मतलब आपसे अब ये सवाल पूछता है कि अगर वो आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 5 घंटे में खाली करता है तो बताइए उसका 2/5 पार्ट, 2/5 भाग कितनी देर में खाली होगा। ये समझना बड़ा आसान है। पहले क्या करते हैं, हमको जो गिवन है हम उसी पार्ट पे ध्यान देते हैं। ये किसके बारे में बात किया, 2/5 पार्ट। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होता है चीजों को सॉल्व करने का। मैं रटने पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, ना मैं रटाने पे ध्यान देता हूँ। आपको चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए मैं 2/5 पार्ट का मतलब समझना चाहूं तो पहले कोई भी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। अगर मैं 2/5 की बात करूं, उसका मतलब ये है कि किसी चीज के अगर 5 बराबर हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा, अगर किसी चीज के 5 बराबर हिस्से हैं तो 2/5 का मतलब होगा उनमें से, उस 5 बराबर हिस्से में से 2 बराबर हिस्से की बात चल रही है यहाँ पे। ध्यान रहे आपको कि अगर किसी चीज के 5 बराबर हिस्से हैं तो 2/5 का मतलब है उस 5 में से 2 बराबर हिस्सों की बात चल रही है हमको। और हमसे इसी का समय पूछा गया है कि अगर मान लीजिए पूरा का पूरा टंकी 5 घंटे में खाली होता है तो फिर उसका 2/5 पार्ट, मतलब अगर उस टंकी को मैं 5 बराबर हिस्सों में बांट दूं तो बताइए उसका 2 बराबर हिस्सा कितनी देर में खाली होगा। अब हमको जो सवाल दिया गया है वो ये है कि पूरा का पूरा सिस्टर्न खाली होने में 5 घंटे लगते हैं। अब 2/5 पार्ट अगर हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, इसका मतलब ये है कि उस पूरी टंकी की कैपेसिटी 5 के बराबर मानी गई है, और अगर ये पूरा पांच हिस्सा खाली करने में 5 घंटे लग रहे हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ये पूरा 5 हिस्सा खाली करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर हिस्सा खाली करने में 1 घंटे लग रहा होगा। ये जो पहला हिस्सा है इसको खाली करने में भी 1 घंटा लग रहा होगा, ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें भी 1 घंटा, मतलब हर हिस्से को खाली करने में बराबर समय लग रहा होगा। तो मतलब हर जो एक हिस्सा है उसको खाली करने में 1 घंटा लग रहा होगा, तभी तो 5 बराबर हिस्से खाली करने में उन 5 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर हर हिस्सा खाली करने में 1 घंटे का समय लगता है तो इसका मतलब ये है कि 2/5 का मतलब उन 5 में से 2 हिस्सा, हर हिस्सा खाली करने में 1 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि 2/5 पार्ट मतलब उन 5 बराबर हिस्सों में से अगर 2 हिस्सा खाली करना हो और हर हिस्सा खाली करने में 1 घंटा लगता है तो 2 हिस्सा खाली करने में 2 घंटे का समय लगेगा। इसमें ना कोई फॉर्मूले की जरूरत है, ना कोई ट्रिक की जरूरत है। देखिए ट्रिक बहुत बार धोखा दे देते हैं, ट्रिक आपको सोचना नहीं सिखाते, ट्रिक आपको सिर्फ याद करना सिखाते हैं। तो मेरी जो कोशिश है वो है आपको सोचना सिखाना कि आप सोच कैसे सकते हैं इन चीजों को। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर, देन व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाई बोथ द पाइप्स इन 1 आवर If they are opened simultaneously। देखिए ध्यान रखना है आपको,
हमारे पास दो पाइप हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो मैं आपको आपको एक तरीका बताता हूँ। अगेन ये टाइम एंड वर्क का ही तरीका है, पर फिर भी यहाँ हम उसको फिर से समझते हैं। मान लीजिए दो पाइप है, मैं पहले पाइप को मानता हूँ ए और मैं दूसरे पाइप को मानता हूँ बी। पहले पाइप को वो टैंक भरने में 2 घंटे का समय लग रहा है और दूसरे पाइप को उसी टैंक को भरने में 6 घंटे का समय लग रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो पहले तो आप टाइम लिख लें जो उनको पूरा समय लग रहा है। इसके बाद आप इनका एलसीएम निकाल लें। इनका जो एलसीएम होगा, मतलब ये जो टोटल घंटे हमको गिवन है, इनका जो एलसीएम होगा वो आपको टोटल क्वांटिटी देगा, मतलब आपको वो टंकी की पूरी कैपेसिटी देगा। मतलब अगर मैं 2/6 की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो कैपेसिटी है टैंक की वो 6 है। अब आप इसको 6 लीटर में मान लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर पहली पाइप को उस टंकी को भरने में 2 घंटा लगता है, दूसरे पाइप को उस टंकी को भरने में 6 घंटा लगता है, और क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 6 है तो मैंने मान लिया कि उस पूरे टंकी की कैपेसिटी 6 लीटर की होगी। इसका मतलब ये है कि इसका जो पर आर वर्क होगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आर में बात किया है और हमको कुल घंटे की बात की गई है कि पाइप ए को 2 घंटे लगते हैं और पाइप बी को 6 घंटे लगते हैं। याद रखिए जब भी आपको ये टोटल आर्स गिवन हो, जैसा हमने टाइम एंड वर्क में भी डिस्कस किया है, तो जब भी आपको टोटल आर गिवन हो आप उनका एलसीएम निकाल लें। ये जो एलसीएम होगा ये आपको टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक देगा, मतलब टैंक की कुल कैपेसिटी कितनी है, वो कितना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है। और अगर ये पूरे के पूरे टैंक को भरने में, 6 लीटर के टैंक को भरने में 2 घंटा लगाता है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 3 लीटर भरता होगा। और अगर ये 6 घंटे लगाता है तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 1 लीटर भरता होगा। तो ये तो बात आ गई कि 1 घंटे में पाइप ए और 1 घंटे में पाइप बी उस टैंक, जो टैंक 6 लीटर का है, उसका कितना पार्ट भरेंगे। अब देन वॉट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाई बोथ द पाइप्स इन 1 आवर, हमको क्या गिवन है कि फिर बताइए कि 1 घंटे में उस टैंक का कितना पार्ट भर जाएगा अगर दोनों को साइमल्टेनियसली, का मतलब होता है अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए। तो अगर मान लीजिए दोनों को मैं एक साथ चालू करता हूं तो 3+1 होता है 4, इसका मतलब ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकते हैं। और आपके पास कुल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर की। और ये जो है ये पर आर वर्क है, मतलब 1 घंटे में पाइप 3 लीटर भर सकता है पाइप ए, और पाइप बी 1 घंटे में 1 लीटर भर सकता है। इसका मतलब अगर दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में 4 लीटर भर सकते हैं। तो ये तो जवाब हो गया कि 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 4 लीटर भरेंगे, पर हमारा सवाल है व्हाट पार्ट। व्हाट पार्ट का मतलब है 6 में से कितने हिस्से 1 घंटे में भर जाएंगे। तो 6 में से कितना हिस्सा भर जाएगा, 6 में से 4 हिस्सा भर जाएगा। तो अगर मैं 6 में से 4 हिस्सा भर जाएगा तो इसको मैं 4/6 लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको और छोटा करूं तो 2/3 पार्ट या फिर 4/6 पार्ट, जो भी आपके सवाल का हिस्सा हो, जनरली 2/3 पार्ट आपका आंसर होगा। तो अगर उस टंकी के 3 बराबर हिस्से किए जाए तो 1 घंटे में उसका 2 हिस्सा भर जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, ध्यान रहे कि जब भी ऐसे सवाल हो तो पहले आप टोटल वर्क लिख लें कि वो कितना टाइम पूरे टैंक को भरने में लेते हैं। ये मैंने सीधा सीधा लिख लिया। फिर इन दोनों के एलसीएम निकाला, मुझको टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक मिल गया। फिर मैंने निकाला 1 घंटे में पाइप ए का काम, और फिर मैंने निकाला 1 घंटे में पाइप बी का काम। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 3+1 4, ये हो गया दोनों पाइप मिलकर अगर काम करें तो 1 घंटे में उनका काम, जो कि 4 है। अब मुझसे सवाल भी यही पूछता है कि 1 घंटे में उस टैंक का कितना पार्ट भर जाएगा। अगर वो टैंक 6 लीटर का है तो उस टैंक का 4 लीटर तो भर जाएगा, इसका मतलब 6 लीटर में से 4 लीटर भर जाएगा, और इसीलिए मैंने लिखा 4/6, मतलब 6 लीटर में से 4 लीटर भर जाएगा। और अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए 2 से काट के तो ये हो जाएगा 2/3। इतना सिंपल सा सवाल है ये। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए, इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 10 आवर, देन पार्ट फिल्ड बाई बोथ पाइप्स इन 1 आवर इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब मैंने कोशिश की है कि आपको जो पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन है, मैं वो आप उसके जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूं। देखिए, ध्यान रहे कि अगर कोई पाइप पानी भरने का काम कर रहा है तो उसके उसके काम को प्लस में आपको कंसिडर करना है, पर अगर कोई पाइप उस टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहा है तो फिर आपको उस वर्क को माइनस में लेना है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर पानी खाली हो रहा है तो उस काम को आपको माइनस में लेना है, और अगर पानी भरने का काम हो रहा है तो उस काम को आपको प्लस में लेना है। तो मैं फिर से ये बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास यहाँ 2 पाइप है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। अगर यहाँ पे ध्यान दे तो ये क्या बोलता है, इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, ये फिल कर रहा है, इसका मतलब इसको मैं लेता हूँ 5, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 10 आवर, ये जो टैंक है ये इसको खाली करने का काम कर रहा है, इसका मतलब -10 हो गया। देन पार्ट फिल्ड बाई बोथ पाइप इन 1 आवर, आपको बताना है कि 1 घंटे में उस टैंक का कितना पार्ट फिल होगा।
देखिए यहाँ पे फिर से वही करना है, जब आप एलसीएम ले तो प्लस और माइनस का ध्यान ना दे, एलसीएम लेते वक्त प्लस और माइनस आपको इग्नोर करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो होगा 10। इसका सीधा सा इतना सा मतलब है कि ये जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी 10 लीटर की है, और अगर वो 5 घंटे में उस टैंक को भर पाता है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता होगा, और अगर वो 10 घंटे में पूरी की पूरी टैंक को खाली कर रहा जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, इसका मतलब इसको जो निकालने का काम होगा -1। देखिए यहाँ पे -1 का ये मतलब है कि अगर पाइप ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है तो पाइप बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल दे रहा है। अब सोचिए अगर पाइप ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर देता है, पाइप बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल देता है, 2 लीटर भरा 1 लीटर निकल गया तो बचा तो 1 ही लीटर। अब मैंने यहाँ पे वही करना है, 2 - 1 ये हो जाएगा 1। तो ये 1 क्या है, ये दोनों पाइप अगर एक साथ काम करें तो आपको ये बताना है कि 1 घंटे में ये 1 लीटर पानी ही भर पाएंगे, क्योंकि पाइप ए ने 2 लीटर भरा, पाइप ए ने उसी वक्त 1 लीटर खाली कर दिया, तो 1 घंटे में जो टोटल पानी भरा टंकी में जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर थी उसमें तो वो 1 ही लीटर भर पाए। अब हमसे सवाल भी यही है कि देन पार्ट फिल्ड बाई बोथ पाइप्स इन 1 आवर, 1 घंटे में उस टंकी का कितना पार्ट भर पाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, उस टैंक की कैपेसिटी है 10 लीटर, उस 10 लीटर में से आपने 1 घंटे में कितना भर पाया, 1 लीटर, इसका मतलब पार्ट फिल कितना होगा, 1/10। तो हमारा इस सवाल का जवाब होगा कि 1 घंटे में उस टैंक का 1 हिस्सा भर पाएगा, अगर उस टैंक के मैं 10 बराबर हिस्से मानूं तो, या फिर सीधा सा जवाब जो पार्ट फिल्ड होगा वो होगा 1/10 पार्ट ऑफ द टैंक। फिर से हमने किया वही है, ध्यान दे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पाइप ए को 5 घंटे में पाइप ए उस टैंक को भर देता है और पाइप बी खाली करता है, इसीलिए मैंने माइनस का साइन लिया, खाली करते वक्त आपको माइनस का साइन लेना है। फिर हमको निकालना होता है टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, जब आप टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकाले इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो माइनस साइन इग्नोर करना है आपको। लेकिन जब मैं पर आर वर्क निकालूं तो अगर वो 10 लीटर के टैंक को 5 घंटे में भरता है, इसका मतलब वो हर घंटे में 2 लीटर पानी भरता होगा, और अगर वो 10 लीटर के टैंक को 10 घंटे में खाली करता है, इसका मतलब ये है कि वो हर घंटे में 1 लीटर खाली करता होगा। तो अगर वो 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 1 लीटर खाली भी हो रहा, तो 1 घंटे में जो टोटल भरने का काम है वो तो 1 लीटर है, इसका मतलब 1 घंटे में वो 1 लीटर भर पाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/10 पार्ट, क्योंकि जो 10 है वही हमारी टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ये चाहूंगा कि आप लाइव जुड़ें, और आप मुझको लाइव जुड़ने का समय भी बता सकते हैं कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होगा आपसे लाइव जुड़ने का, ताकि मैं आपको आपकी क्लासेस पर्सनलाइज्ड फील दे सकूं। चलिए अब हमारा जो सवाल है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली, If both the pipes are opened simultaneously, then how much time will be taken to fill the tank? अभी सवाल क्या है कि हमारे पास 2 पाइप हैं, एक पाइप, फिर से वही, हमारे पास 2 पाइप हैं A और B। पाइप A इस टैंक को 18 घंटे में भरता है और पाइप B इसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। और हमसे जो सवाल पूछा गया है वो ये कि अगर दोनों को एक साथ simultaneously का मतलब होता है एक साथ, अगर मैंने दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया तो मुझको ये बताना है कि वो टैंक जिसको पाइप ए को भरने में 18 घंटे लग रहे थे अकेले, पाइप बी को अकेले उस टैंक को भरने में 12 घंटे लग रहे थे, तो अगर ये दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो अब वही टैंक कितनी देर में भराएगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज की जरूरत है वो है टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालना, और टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम लेके। अगर हमारे पास 2 नंबर 18 और 12 है और इनका एलसीएम लेना हो तो बड़े वाले नंबर का 18 × 2 = 36 और 12 × 12 = 24 12 × 3 = 36, इसका मतलब इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 36 लीटर का है, मैं जानबूझ के लीटर मान लेता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि इसका जो पर आर वर्क होगा वो 2 होगा और इसका जो पर आर वर्क होगा वो 3 होगा। अब ये देखिए, ये 1 घंटे में पाइप ए जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर भर पाता है, तभी तो वो 36 लीटर के टैंक को भरने में 18 घंटे लेता है, वो हर घंटे 2 लीटर भरता है, तो इसका मतलब 36 घंटे 36 लीटर के टैंक को भरने में वो 18 घंटे लेगा। और अगर वो 12 घंटे लेता है इसका मतलब वो हर घंटे 3 लीटर पानी भरता है, और अगर दोनों मिल जाएं तो इसका मतलब ये है कि दोनों मिल के उस टैंक को 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने वही किया हर क्वेश्चन में, मैं वही कर रहा हूँ, पहले जो टोटल टाइम दिया रहता है उसको आपको लिख लेना है, दोनों का एलसीएम निकाल के आपको टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकाल लेनी है, और उसके बाद आपको दोनों का पर आर वर्क निकाल लेना है। अब क्योंकि यहाँ पे इफ बोथ द पाइप्स आर ओपेंड साइमल्टेनियसली,
हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, इसका मतलब एक घंटे में वो 5 लीटर भरते हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 36। तो अगर 36 लीटर के टैंक को भरना हो, एक घंटे में वो 5 लीटर भरते हैं, तो डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। अभी सिंपल सा डिविजन है, अगर मैं 36 को 5 से डिवाइड करूँ तो 5 7 जा 35, 5 7 35, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 7 1/5। इसका मतलब यह है कि कुल 36 लीटर के टैंक को भरने में अगर दोनों एक साथ चालू कर दिए तो 7 1/5 आर का समय लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आर व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 आर। देखिए ध्यान दीजिए, एक पाइप है जो 5 घंटे में उस टैंक को भर पा रहा है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 आर इन इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल बी टेकन। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आर। एक पाइप जो है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर पाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट फिल्स द टैंक इन 20 आर। If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? पहले सवाल को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पाइप की बात की जा रही है, यहाँ पे दो अलग अलग पाइप की बात नहीं की जा रही। हमारा सवाल कैसा है कि हमारे पास एक पाइप है, वो किसी टैंक को भरने में, पूरा भरने में 10 घंटे का समय लेता है, लेकिन उस टैंक के बॉटम में एक छेद है, एक लीक है, जिसके कारण जो पानी है वो जब टंकी में पानी भर रहा है तो साथ ही साथ पानी लीक भी हो रहा है। और अगर लीक चलता रहे तो उसी पाइप को जो बिना लीक के उस टैंक को 10 घंटे में फिल कर पाता है, उसी पाइप को अब उस टैंक को भरने में 20 घंटे लगेंगे। तो आपको यह बताना है कि अगर पूरा का पूरा टैंक फिल हो तो वो टैंक कितनी देर में खाली होगा, किस कारण, उस लीक के कारण। फिर से सवाल समझिए, हमारे पास एक पाइप है, वो जो पाइप है वो उस टैंक को 10 घंटे में भरता है, पर क्योंकि उस टैंक के बॉटम में एक लीक है और अगर वो लीक साथ साथ में चलता रहे जब वो पानी भर रहा है तो अब उस टैंक को भरने में 20 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अब यहां तक ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट बोलता है कि इफ द टैंक इज फुल, मान लीजिए वो टैंक पहले से भरा हुआ है, देन हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। अब पानी भर नहीं रहा, अब सिर्फ लीक है, मतलब एक तरफ से पानी, पाइप मैंने बंद कर दिया, अब पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ और आपको ये बताना है कि वो जो लीक है वो उस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 घंटे और 20 घंटे की बात करता है, मैं क्या करता हूँ, एक अजम्पशन लेता हूँ कि मान लीजिए वो जो टैंक है वो 10 लीटर का है, मैंने मान लिया। मैंने क्या बोला, मेरा जो तरीका है वो क्वेश्चन को समझ के बनाने का है, मतलब जबरदस्ती शॉर्टकट के पीछे भागना और ऐसी चीजें जो हमको रटनी पड़े वो हमारे लिए एंड में और परेशानी का कारण बन जाती है। तो बेटर है आप क्वेश्चन को समझें। मान लीजिए 10 लीटर का टैंक था और उस 10 लीटर के टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा था। अब आपका सवाल होगा, क्या सर 10 लीटर लेना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर जैसा आप इसको लेंगे वैसा ही वो चीज अगले वाले के लिए भी बदल जाएगी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। पर मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 10 लीटर 10 घंटे में, अब आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में ये जो 1 लीटर पानी भर पाता है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिया ताकि यूनिटरी मेथड में अप्लाई कर सकूं कि अगर 10 लीटर मैंने अगर 10 लीटर माना इसकी कैपेसिटी को तो मेरे लिए कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटे का समय दिया गया है तो मैंने जितने घंटे थे मैंने उतना ही लीटर मान लिया, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो अगर 10 लीटर भरने में 10 घंटा लगता है, इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में वो 1 लीटर भरता है। अब लेकिन जब बॉटम में लीक हो, तो अब देखिए बॉटम में लीक है तो भरना तो उतना ही है आपको, पानी तो, टंकी की कैपेसिटी तो 10 लीटर ही है, टैंक की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ रही, सिर्फ टाइम क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि जब आप पानी भरते हैं तो उसी वक्त पानी लीक भी हो रहा है। तो जब पानी लीक हो जा रहा है, आप भर रहे हैं और एक तरफ से खाली हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि अब फिर से मैंने 20 लिख दिया, अब 10 लीटर भरने में, अब 10 लीटर भरने में ही अब इसको 20 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दे इसको, पहले 1 घंटे भरने में, पहले एक लीटर भरने में 1 घंटे का समय लग रहा था, अब 10 लीटर भरने में 20 घंटे का समय लग रहा है। और ये क्या है, ये खाली करने का समय है, ये खाली कर रहा है बेसिकली, तभी तो ये टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10/20 करूं तो 1 घंटे में ये आधा लीटर खाली कर देता है। ध्यान दे,
ये 1 घंटे में क्या कर रहा है, आधा लीटर पानी खाली कर दे रहा है। कैसे? अगर मैं आवर का कैलकुलेशन करूं तो ये कितना हो जाएगा, 10/20 हो जाएगा, और 10/20 मतलब 1/2, या फिर मैं इसको 0.5 लीटर भी बोल सकता हूँ, 0.5 लीटर भी बोल सकता हूँ, अपने तरीके से अगर समझना हो आपको। तो ये तो बात समझ में आ गई कि 10 लीटर भरने में अगर 10 घंटे लग रहे तो वो 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, लेकिन अगर बॉटम में लीक हो तो 10 लीटर भरने में उसको 20 घंटे लग रहे हैं। हमको तो सवाल पूछा है अगर टैंक भरा हो तो बताइए हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। तो आपको जो निकालना था वो ये निकालना था कि वो 1 घंटे में कितना पानी निकाल पाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये टैंक 1 घंटे में आधा लीटर पानी, मतलब वो जो लीक है उस लीक के कारण 1 घंटे में वो टैंक से आधा लीटर पानी बह जाता है। तो अगर 1 घंटे में आधा लीटर पानी बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि 10 लीटर, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी 10 लीटर है, उसको तो पूरा टैंक खाली करना है। अगर 1 घंटे में वो आधा लीटर भर रहा है तो 2 घंटे में वो खाली कर रहा है। अगर वो 1 घंटे में आधा लीटर खाली कर रहा है तो वो 2 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। देखिए 1 घंटे में आधा लीटर खाली कर रहा है तो वो 2 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। ध्यान रहे 1 लीटर खाली करने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब 10 लीटर खाली करने में उसको 20 घंटे लगेंगे। ये बात मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो अगर मैं सवाल का जवाब देना चाहूं कि कितना टाइम लगेगा उस लीक को, उस टैंक को एम्प्टी करने में, तो मेरा जवाब होगा 20 घंटे का, 20 आर का। क्यों? ये 20 आर ये नहीं है जो गिवन था, क्योंकि वो टैंक 1 घंटे में आधा लीटर पानी निकाल देता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर पानी निकालने में वो 2 घंटे लेगा, तो 10 लीटर पानी निकालने में वो दुगना टाइम लेगा, तो वो 20 घंटे लेगा। तो हमारा जो जवाब होगा इस सवाल का वो होगा 20 आवर्स का। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब हमको जो सवाल है वो ये है कि 3 पाइप्स M एंड NP कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 4, 5 एंड 10 आवर्स। हमारे पास 3 पाइप हैं, M, N और P। ये तीनों के तीनों जो पाइप हैं वो किसी टैंक को भरने में 4 घंटे, 5 घंटे और 10 घंटे का समय लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई ऑल द 3 पाइप्स टू फिल द टैंक व्हेन द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। ये बिल्कुल ऊपर जैसा ही सवाल है हमारे पास कि हमारे पास 3 पाइप है M, N और P। पहला पाइप उस टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है, दूसरा पाइप उस टैंक को भरने में 5 घंटे लेता है, और तीसरा पाइप उसी टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लेता है। तो हमारा जो पहला काम है वो है टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकाल लेना। वो कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम लेके। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो ये हो जाएगा 20, और इसका मतलब ये है कि ये इसका जो पर आर वर्क होगा वो होगा 5, इसका जो पर आर वर्क होगा वो होगा 4, और इसका जो पर आर वर्क होगा 2। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई ऑल द 3 पाइप्स, मतलब जब तीनों पाइप आर ओपन टुगेदर, मतलब जब तीनों के तीनों पाइप एक साथ खुले हों, जब तीनों पाइप एक साथ पानी भरने का काम कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये जो टैंक है वो कितनी देर में भरेगा। देखिए ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा, और ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा। और अगर ये तीनों के तीनों पाइप एक साथ चलते हो तो ये 1 घंटे में मिला के 9 लीटर पानी भर देंगे। हमको भरना तो 20 लीटर ही है, तो ये हो जाएगा 20/9। और 20/9 अगर मैं करना चाहूं तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मैं 20/9 करना चाहूं तो 9 × 2 = 18, और ये हो जाएगा 2, मतलब 2 × 2/9। इसका मतलब ये है 2 × 2/9 आर। सिंपल सा मतलब है कि उन तीनों पाइप अगर वो एक साथ चालू हो तो ये 20 लीटर के टैंक को भरने में वो 2 घंटे 2/9 और मिनट्स में आगे सेकेंड्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आंसर है वो है 2 × 2/9 आर का। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 20, 4, 5 + 5, 4 + 10, 2 + 5, 4, 9, माफ कीजिएगा ये 11 होने वाला है। तो फिर तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। अच्छा हुआ हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, ये जो होगा ये 11 होगा, माफ कीजिएगा इसमें गलती हो गई कैलकुलेशन में। तो ये क्या होगा, ये होगा 20/11, और अगर मैं 20/11 करूं तो 11 × 1 = 11, और रिमाइंडर आएगा 9। इसका मतलब जो आपका जवाब होगा वो होगा 1/9/11 आर। और अब ये बिल्कुल सही आंसर है, हमने जोड़ने में गलती की, कभी कभार जोड़ने में भी गलती हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल सी बात, जोड़ के 11 आया, 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर रहे हैं, 20 लीटर पानी भरना है, 20/11 हमने डिवाइड किया, जो भी हमारा आंसर है वही हमको जवाब देना है। अब पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आर, वाइल पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 10 आर। पाइप सी कैन, देखिए यहाँ पे पाइप ए जो है वो फिल करने का काम कर रहा है,
पाइप बी भी फिल करने का काम कर रहा है, लेकिन पाइप सी जो है वो एम्प्टी करने का काम कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भरने का काम हो तो सारी चीजें प्लस मिली जाती हैं, पर जब कोई पाइप खाली करने का काम करता है तो उसी काम को हमको माइनस में लेना होता है। सवाल बिल्कुल सेम है बनाने का, बस आपको खाली करने वाली चीज को माइनस में लेना है। अब द फुल टैंक इन 30 आर, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल, मतलब अगर तीनों पाइप एक साथ चालू हो तो आपको बताना है कि वो टैंक कितनी देर में फिल होगा। चलिए अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ तीन पाइप की, पाइप है ए बी और सी। अब ये जो पाइप ए है वो किसी टैंक को भरने में 20 घंटे लेता है, ये देखिए 20 घंटे का समय। पाइप बी को लगते हैं 10 घंटे, पाइप बी को लग रहे हैं 10 आर, और पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 30 आर। इसका मतलब ये है कि पाइप सी को जो खाली करने में लगते हैं 30 आर, ये तो हो गया। अब क्योंकि ये पाइप सी का बात कर रहा है को वो खाली कर रहा, तो मैं बीच में माइनस का साइन ले रहा हूं। आप ध्यान रखें मैंने माइनस का साइन क्यों लिया है, क्योंकि माइनस खाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इनका एलसीएम लिया जाए, जैसा पहले हमने बात की, एलसीएम लेते वक्त प्लस माइनस का कोई काम नहीं होता। अब ये हो जाएगा 23 जा 60, 10 6 जा 60 और 30, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 2। माइनस 2 क्यों, क्योंकि ये जो साइन था ये माइनस था, और हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर एक साथ तीनों पाइप चालू कर दिया जाए, मतलब भरने वाले पाइप्स भी और खाली करने वाले पाइप्स भी चालू कर दिए जाए, तो ये क्या होगा। देखिए इस बार कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमको सेफ रहना पड़ेगा। 6 3 9 और 9 में से 2 जाए, इसका मतलब ये होगा 7। देखिए पाइप ए और पाइप ए 3 लीटर पानी भर देगा, पाइप बी 6 लीटर पानी भर देगा, टोटल 9 लीटर भर गया, लेकिन पाइप सी उसी टाइम पे 2 लीटर पानी खाली कर देगा। पाइप ए और बी ने मिलकर 9 लीटर पानी भरे, पाइप सी ने 2 लीटर पानी खाली कर दिया, तो इसका मतलब ओवरऑल बचा कितना हमारे पास, एक घंटे में हमारे पास बचा 7 लीटर पानी, और हमको भरना कितना है 60 लीटर पानी। हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल, मतलब अगर 60 लीटर पानी भरना है, एक घंटे में वो 7 लीटर पानी भरते हैं, तो चलिए फिर से इनको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं 60 डिवाइडेड बाई 7 करूं तो 7 8 56 56, और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब जो हमारा जवाब होगा वो होगा 8 4 बाई 7 आर। देखिए इसके सवाल बड़े ही आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए, कुछ भी नहीं करना होता आपको, जो टोटल टाइम हो उसका एलसीएम निकाल लें तो वो आपको टोटल कैपेसिटी देता है, फिर आपने पर आर वर्क निकाल लिया, पर आर वर्क में प्लस और माइनस जिस भी तरीके से हो उसी तरीके से ऑपरेट करें सारे। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में था 6 प्लस 3 6 प्लस 3, ये हो गया 9, 9 में से 2 चला गया, बचे 7, इसका मतलब इनका एक घंटे का काम है 7 लीटर पानी भरने का, हमको भरना है 60 लीटर पानी। अगर वो एक घंटे में 7 लीटर भरते हैं तो 60 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56 56 56, बचा 4, तो 8 4 बाई 7 आर। क्योंकि एक बार गलती हो चुकी है कैलकुलेशन में, तो अब इसमें थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या बात करता है, टू पाइप्स ए, देखिए इस क्वेश्चन में यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तो कन्वेंशनल तरीका है जो बहुत लंबा तरीका है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको उसके जवाब मिलेंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको कन्वेंशनल मेथड सीखना जरूरी होता है, मतलब मन नहीं मानता नहीं सर कन्वेंशनल मेथड सीखना ही सीखना है, तो मैं आपको उसके लिए कन्वेंशनल मेथड भी सिखा दूंगा, लेकिन इनको बनाने का बिल्कुल छोटा सा तरीका है, मतलब विद इन टू सेकेंड, तो मैंने बहुत ज्यादा बोला। अब देखिए टू पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर टू फिल अ टैंक, बोथ द पाइप्स फिल द टैंक इन टाइम टी। देखिए दो पाइप है हमारे पास ए और बी, अब अगर ये ए और बी मिलके काम करें तो उस टैंक को टी टाइम में भर पाते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। टू टाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, दो पाइप ए और बी हैं, उनको हमने एक साथ खोल दिया है। टू फिल द टैंक, बोथ द पाइप्स फिल द टैंक इन टाइम टी, अगर ये दोनों एक साथ खुले हों तो वो उस टैंक को टी टाइम में भर पाते हैं। इफ ए सेपरेटली टेक्स 4 मिनट मोर देन टी, मतलब अगर पाइप ए अकेला भरना चाहे तो वो टी से 4 मिनट ज्यादा लेता है, इसको टी मिनट मान लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो टी ए अकेला है उसको टी प्लस 4 मिनट लगते हैं। अब बात करते हैं बी की, और नाउ इफ टू फिल द टैंक एंड बी, और बी टेक 64 मिनट्स मोर टाइम देन टी, और बी जो है उसको इससे 64 मिनट ज्यादा का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों को मिलकर टाइम टी लग रहे हैं, तो ए को लग रहा है टी प्लस 4 क्योंकि वो टी से 4 मिनट ज्यादा लग रहा है, और बी जो है वो टी से 64 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब बी जो होगा वो होगा 10 प्लस 64। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, आपको इस टी की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता दूं, फिर हम आते हैं अपने लॉन्ग मेथड की ओर। देखिए जब भी ऐसा सवाल हो कि दोनों मिलके तीनों मिलके कोई काम कर रहे हैं
तो जो भी टाइम टी दिया हुआ है आपको यही निकालने के लिए पूछेगा वो, और आपको दो अलग अलग टाइम देगा, जैसे यहां पे दिया है 4 मिनट और यहां पे दिया हुआ है 64 मिनट। तो ये जो दो टाइम हो, सिर्फ यही दो टाइम हमारा सवाल बना देंगे। आपको क्या करना होता है, रूट ओवर 4 into 64, बस इतना ही काम करना है मुझको। ये जो दो टाइम, ये शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्या हो गया, देखिए रूट ओवर 4, तो मैं इसको रूट ओवर 4 अलग अलग ही लिख देता हूं। ये जो रूट ओवर 4 है इसका वैल्यू आएगा 2, और इनटू ये जो 64 है, ये आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 जब रूट के बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो जब 64 रूट के बाहर आएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 16। सिर्फ इतना ही है शॉर्टकट मेथड इसका, सिर्फ इतना ही है जो जिसपे आपको ध्यान रखना है, कि अगर दोनों को मिलके टाइम टी लग रहे हैं और फिर उसके बाद दो अलग अलग पाइप हैं, एक पाइप का टाइम दिया हुआ है इसको 4 मिनट ज्यादा, उसको 64 मिनट ज्यादा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 4 की जगह पे 9 दे सकता है, 64 की जगह पे कोई और नंबर दे सकता है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट मेथड, इसमें बिल्कुल 2 सेकंड का समय लगना है, इसमें कुछ भी और नहीं। लेकिन अगर आपको कन्वेंशनल मेथड भी सीखना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसमें। देखिए ए और बी दोनों को मिलकर कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। अगर आपने कन्वेंशनल मेथड सीखा है तो अगर इसको T+4 मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब इसका जो 1 मिनट का काम होगा, इसका जो 1 मिनट का काम होगा वो होगा 1/T+4। ये 1 मिनट का काम है किसका, ए का, ये ए के 1 मिनट का काम है। और अगर मैं बी के 1 मिनट का काम निकालूं तो ये हो जाएगा 1/T+64। उसी तरीके से अगर ए प्लस बी के 1 मिनट का काम निकाला जाए तो वो हो जाएगा 1/T। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/T। मैंने क्या किया, मैंने ए के 1 मिनट का काम निकाल लिया, मैंने बी के 1 मिनट का काम निकाल लिया, और मैंने कुल समय को भी 1 मिनट के टर्म में कैलकुलेट किया। अब ये दोनों ए प्लस बी मिलके टी के बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 1/T+4 प्लस 1/T+64। अब देखिए इन दोनों के जो ये ए है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और ए प्लस बी को मिलके कितना कितना टाइम लग रहा है, वो लग रहा है टाइम टी। अब क्योंकि ये जो पहला वैल्यू था ये 1 मिनट में था, ये 1 मिनट में था, तो इसको भी 1 मिनट में होना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसको भी 1/T लिख लिया। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है, इनको एलसीएम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा T+4 और ये हो जाएगा T+64। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये हो गया T+64 + T+4। मैं ऐसा करता हूं, आपको ये एलसीएम लेना आता होगा। अब अगर इनको सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए T+T 2T और 2T+68, ये हो जाएगा 2T+68 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा T²+64T + 4T + 4 × 64, ये हो जाएगा 256 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/T। इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2T²+68T इक्वल्स टू T²+, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 68T + 256। देखिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपको क्या करना है इस T² को, जैसे ये हो जाएगा 2T²-T², बाकी चीजों को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, 68T - 68T + 256, ये दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि T²=256 और T जो होगा वो होगा 256 का अंडर रूट 256, और ये आप जवाब दे सकते हैं। 256 किसका है, 16 का, तो देखिए हमने पहले भी आंसर वैसे निकाल रखा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा T=16, जो हमने पहले भी निकाल रखा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, हमने T=16 निकाल रखा है और हमने लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारा T=16 आया। पर मैं आप अगर आपको समझदारी से काम करना हो, पेपर में अपना समय बचाना हो, तो आप इस तरीके के सवालों के लिए इस शॉर्टकट मेथड को याद रखें। हर जगह शॉर्टकट मेथड काम का नहीं होता, पर कभी कभी वो बहुत काम का होता है, तो यहाँ पे वो शॉर्टकट मेथड काम की चीज है। चलिए अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि अ फुल टैंक गेट्स एम्प्टीड इन 6 मिनट। चलिए ये अगेन एक अच्छा सवाल है। एक जो फुल टैंक है वो 6 मिनट में खाली होता है, मतलब पूरा का पूरा टैंक खाली होने में 6 मिनट का समय लगता है। ड्यू टू, नाउ देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब फिर से आप मान लीजिए कि लीक है, मान लीजिए उसके बॉटम में एक लीक है। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑरिफिस इन इट,
On opening a tap which can fill the tank at the rate of 8 liter per minute. ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए. On opening a tap which can fill the tank at the rate of 8 liter per minute. मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक टैंक है, और इसके बॉटम से ऐसे पानी लीक हो रहा है, यहां से पानी लीक हो रहा है. मैंने क्या किया, ऊपर से एक पाइप चालू किया और ये जो पाइप है वो एक मिनट में 8 लीटर पानी भरता है. 8 लीटर पानी भरता है एक मिनट में, तो ये वही है, 8 लीटर पानी एक मिनट में भर रहा है. द टैंक गेट एम्प्टीड इन 10 मिनट. इसके कारण से जो टैंक है वो 10 मिनट में एम्प्टी हो रहा है. अब समझते हैं सवाल को फिर से. देखिए, एक टैंक जिसको खाली होने में 6 मिनट का समय लगता है, ध्यान रहे, एक टैंक जिसको खाली होने में 6 मिनट का समय लगता है. अब अगर मैंने उसमें एक ऐसा पाइप फिट कर दिया जो कि उस टैंक में 8 लीटर पानी हर मिनट भर सकता है, और इसके कारण अब जो टैंक है वो 10 मिनट में खाली हो रहा है, तो आपको बताना है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है. देखिए, 6 मिनट में वो टैंक खाली हो रहा था, अब वो जो टैंक है वो 10 मिनट में खाली हो रहा है. अब जो वो टैंक है वो कितनी देर में खाली हो रहा है, 10 मिनट में खाली हो रहा है. ठीक है, बहुत अच्छी बात. आपको कैपेसिटी नहीं, एक चीज समझिए आप, अगर वो 8 लीटर पानी हर मिनट में भरता है, 8 लीटर पानी हर मिनट में भरता है, तो 10 मिनट, क्योंकि वो 10 मिनट में खाली हो रहा, ध्यान दीजिए वो 10 मिनट में खाली हो रहा, तो जब तक वो खाली हो रहा होगा एक तरफ से पानी भी तो निकल रहा होगा. दूसरी चीज, ये कितना लीटर पानी दे पा रहा है, ये 8 लीटर पानी हर मिनट में दे पा रहा है, तो वो 10 मिनट में इसको 8 लीटर के हिसाब से दे रहा होगा. अगर ये हर मिनट 8 लीटर पानी भरता है तो 10 मिनट में ये 80 लीटर पानी तो भर दिया होगा इसने, 80 लीटर पानी तो इसने भर दिया होगा. अब जो टैंक पहले 6 मिनट में खाली हो रहा था, अब वो टैंक 10 मिनट में खाली हो रहा है. क्यों? क्योंकि 8 लीटर पानी उसमें अंदर भी डाला जा रहा है हर मिनट. मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं. देखिए, एक टैंक जनरली 6 मिनट में खाली होता है, लेकिन अब उस टैंक को खाली होने में 10 मिनट का समय लग रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उस टैंक के साथ एक ऐसा पाइप जोड़ दिया गया है जो उस टैंक को हर लीटर 8 मिनट पानी भर भी रहा है उस टैंक में. अब अगर वो 10 मिनट में खाली हो रहा है, तो वो जो भरने वाला पाइप है वो 10 मिनट तक 8 लीटर के हिसाब से पानी भर भी तो रहा होगा, हर मिनट 8 लीटर पानी दे रहा होगा. तो इसका मतलब यह है कि 10 मिनट में उसने 80 लीटर पानी भर भी दिया होगा. ये बात तो पहली बात हो गई कि 80 लीटर पानी भर दिया होगा. अब सोचिए, ये जो बीच में 4 मिनट का अंतर है, ये जो 4 मिनट है ये क्यों आए? क्योंकि जब वो 6 मिनट में खाली होता है तब उस वक्त उसको 8 लीटर पानी हर मिनट नहीं दिया जाता, लेकिन अब क्योंकि वो 10 मिनट में खाली हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हर मिनट उसको 8 लीटर पानी दिया जा रहा है. तो ये जो 80 लीटर खाली होने का समय है, यही तो ये टाइम डिफरेंस है 4 मिनट. 80 लीटर पानी आने के कारण ही तो वो 10 मिनट हुआ ना, जो पहले 6 मिनट था अब वो 10 मिनट हो क्यों गया? क्योंकि 80 लीटर पानी एक्स्ट्रा हो गया. इसका मतलब ये है कि अब वो 80 लीटर पानी खाली करने में, इस 80 लीटर एक्स्ट्रा पानी खाली करने में वो एक्स्ट्रा 4 मिनट का समय ले रहा है. तो मैं 80 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं, तो मैं यहां से देखूंगा कि यह 20 लीटर आएगा. अब ध्यान रखें, ये जो एक्स्ट्रा 4 मिनट लगे, वो एक्स्ट्रा 4 मिनट इस 80 लीटर को खाली करने में लगे, नहीं तो जनरली तो उसको 6 मिनट का समय लगता था. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 मिनट क्यों लग रहे हैं? ये 80 लीटर एक्स्ट्रा पानी को खाली करने में, इसका मतलब वो 1 मिनट में कितना पानी खाली कर पाता है? 20 लीटर. अब पहले वो कितना खाली कर पाता था? पहले वो खाली कर पाता था 6 मिनट में, और अगर वो 1 मिनट में 20 लीटर पानी खाली करता है तो 6 मिनट में कितने लीटर पानी खाली करता होगा? 20 लीटर के हिसाब से वो 6 मिनट में 120 लीटर पानी खाली करता होगा, जो इसके पहले की समय थी. इसका मतलब यही हमारे टैंक की कैपेसिटी है. ध्यान रहे, फिर से इस बात को समझते हैं कि 10 मिनट पहले जिस टैंक को खाली करने में 6 मिनट लग रहे थे, अब उसी टैंक को खाली करने में 10 मिनट लग रहे. ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि अब उस टैंक के साथ एक ऐसी पाइप को जोड़ दिया गया है जो उस टैंक में हर मिनट 8 लीटर पानी देता है. टोटल 10 मिनट खाली करने में लग रहा है. इसका मतलब वो जो पाइप है जो 8 लीटर पानी देता है, वो 10 मिनट तक उसको पानी देता रहा होगा, तो 10 मिनट में उसने 80 लीटर पानी खाली कर दिया होगा. जो पहले 6 मिनट में खाली हो रहा था, अब वही पाइप 10 मिनट में खाली हो रहा, तो ये 4 मिनट का गैप आया. ये 4 मिनट का गैप क्यों आया?
क्योंकि 80 लीटर पानी अब एक्स्ट्रा आ गया, पहले तो नहीं आता था। इसका मतलब 80 लीटर पानी खाली करने में 4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे, तो हर मिनट वो 20 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। इसके हिसाब से पहले जब उसके साथ कोई पाइप नहीं जुड़ा था 8 लीटर पर मिनट वाला, तो उसको 6 मिनट लग रहे थे, और हर मिनट में अगर वो 20 लीटर पानी खाली करता है तो 6 मिनट में 6 × 20 = 120 लीटर उस टैंक की कैपेसिटी रही होगी। मैं ऐसा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आखिरी 3 सवाल है, इनको भी डील कर लेते हैं। देखिए, इफ अ टैप ए कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन टैप बी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी वाले सवाल हैं, जैसा हमने टाइम एंड वर्क में पहले भी देख रखा है। कोई बात नहीं, हम इसको फिर से यहाँ पे फिर से समझते हैं इस बात को। इफ अ टैंक ए कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन टैप बी। देखिए, पहले मैंने आप एफिशिएंसी का रेशियो लिख रहता हूँ। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 3:1 का। ये किसका है? 3:1 का। मतलब अगर मैं एफिशिएंसी किसकी बात करूं, A:B की। ये एफिशिएंसी के रेशियो 3:1 हुई क्यों? क्योंकि हमको यहां पे ये बात बोलता है कि टैप ए कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन टैप बी। मतलब A:B की जो रेशियो है वो है 3:1। पर हमको सवाल टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी से नहीं बनाना होता, क्योंकि ये जो पाइपलाइन सिस्टम है वो टाइम एंड वर्क का ही एक्सटेंशन है। तो यहां पे एफिशिएंसी से तो सवाल नहीं बनेगा, हमारा सवाल बनेगा टाइम से। तो एफिशिएंसी और टाइम, ध्यान रखें, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब आपस में एक दूसरे से इन्वर्सली जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं टाइम का रेशियो का बात करूं, तो टाइम जो होगा A:B का वो होगा 1:3 का। सिंपल सी बात है, अगर ए 3 गुना ज्यादा तेज है बी से, तो काम करने में 3 गुना कम समय भी तो लेगा, और अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ये मतलब 3 गुना ज्यादा समय लेगा। एफिशिएंसी ज्यादा तो वो कम समय लेने वाला है, एफिशिएंसी कम तो ज्यादा समय लेने वाला है। ये बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं फिर से हमारे सवाल पर। हमको टाइम मिल गया जिससे हमको काम होता है। इफ टैप ए कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन टैप बी एंड टेक्स 28 मिनट लेस देन टैप बी टू फिल द टैंक। क्योंकि टैप ए टैप बी से 3 गुना ज्यादा तेज है, और इस कारण से टैप ए को टैप बी के कंपैरिजन में 28 मिनट कम समय लगता है। मतलब जो भी समय टैप बी को लग रहा है उससे 28 मिनट कम लग रहा है। किसको? टैप ए को। क्यों? क्योंकि टैप ए टैप बी से 3 गुना ज्यादा तेज है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर किसी काम को करने में टैप बी को 3 घंटे का समय लगता है, तो उसी काम को करने में टैप ए को 1 घंटे का समय लगता है। अब ये जो 28 मिनट है, ये इनके टाइम के बीच का डिफरेंस है। ध्यान रखे, ये जो 28 मिनट है ये इनके टाइम के बीच का डिफरेंस है। अब हमको ये जो रेशियो मिली है वो है 1:3। आपको ये बात पता होगी कि रेशियो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होते, रेशियो मल्टीपल ऑफ कुछ ना कुछ क्वांटिटी होते हैं। तो ये एक्स, 1 को मैं x मान सकता हूँ, और इस 3 को मैं मान सकता हूँ 3x। अब ये जो 28 मिनट है वो इन्हीं के बीच का टाइम डिफरेंस है, इन्हीं के बीच के जो समय का अंतराल है वो 28 मिनट है। तो ये भी तो समय है, 3x और x भी तो समय है, और इन्हीं के बीच के जो समय का अंतर है वो 28 मिनट है। इसका मतलब अगर मैं 3x माइनस x करूं तो वो किसके बराबर होगा? 28 के बराबर होगा। या फिर ये 2x किसके बराबर होगा? 28 के बराबर। और अगर x की बात की जाए तो वो होगा 14। इसका मतलब क्या है? Then find the time taken to fill the tank. If both the taps are opened simultaneously, अगर ये दोनों के दोनों एक साथ चालू कर दिए जाए तो बताइए कि इनको कितना समय लगेगा। देखिए, x हमको मिल गया 14, और ये 3x है। इसका मतलब ये है कि 3 × 14, ये हो जाएगा 3 × 14, इसका मतलब हो जाएगा 42। अब वापस से पुराने सवाल पे आ जाते हैं। ए को कितना देर लग रहा है उस टैंक को भरने में? 14 मिनट। बी को कितना देर लग रहा है उस टैंक को भरने में? 42 मिनट। 14 × 42, मतलब एलसीएम यही होने वाला है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों एक साथ चलते हो, तो दोनों के दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो एक घंटे में 4 लीटर पानी भरेंगे, तो 42 लीटर पानी भरने में इनको कितना समय लगेगा? 42 upon 4, 4 × 10 = 40, मतलब 10 × 2 upon 4, या फिर मैं बोल सकता हूँ 10 × 1 upon 2, मतलब 10.5 घंटे का समय लगने वाला है। देखिए, 42 / 4, 4 × 10 = 40, यहाँ पे बचेगा 2, इसका मतलब 10 × 2 upon 4 हमने सही लिखा था। और हमसे सवाल भी यही पूछा था, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको एफिशिएंसी गिवन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का सवाल हो, तो पहले आपको एफिशिएंसी को कन्वर्ट कर लेना है टाइम में, फिर आपको देखना है कि उन टाइम का डिफरेंस क्या है। तो जो आपने रेशियो निकाला है उन रेशियोस में x ऐड करके माइनस कर दें आप। मतलब x ऐड करने का मतलब है कि जो चीज पहले 1 थी अब वो x हो गई, जो चीज पहले 3 थी वो 3x हो गई। टाइम का डिफरेंस था 28 मिनट का, तो मैंने टाइम का डिफरेंस ही निकाला, क्योंकि x और 3x भी टाइम थे, तो 3x - x = हो गया 28। यहां से मिला आपको x,
और फिर तो हमको ये पुराने सवाल हो गए कि ए को मतलब 14 घंटे लग रहे हैं और 14 मिनट लग रहे हैं और बी को 42 मिनट लग रहे हैं, 42 हो गई टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये हो गया एक घंटे का काम और ये हो गया इनके एक घंटे का काम, दोनों मिलकर काम करें तो 4 लीटर एक घंटे में भरने का काम करेंगे। चलिए ये वैसा ही सवाल, थोड़ा उससे अलग है, बस यहाँ पे स्लो के बाद पाइप ए इज 3 times स्लोअर देन बी। फिर से मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, इस टाइम एफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म ई लिख देता हूँ मैं। देखिए पाइप ए इज टू बी, पाइप ए इज 3 times स्लोअर देन पाइप बी। अब यहाँ पे ध्यान दिया कर, यहाँ पे पाइप ए जो था वो फास्ट था तो मैंने 3:1 लिखा, तो अब यहाँ पे 3 times स्लोअर का मतलब क्या है, पाइप ए इज 3 times स्लोअर, इसका मतलब ये हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पे पाइप अगर ए 3 गुना स्लो है तो इसका मतलब बी जो है वो 3 गुना फास्ट होगा। तो अगर इसी से मैं टाइम का रेशियो निकालना चाहूं, आपको अभी हमने डिस्कस किया कि जो एफिशिएंसी और टाइम होते हैं वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1 का। मतलब अगर किसी काम को करने में बी को 1 घंटे लग रहे हैं तो उसी काम को करने में ए को 3 घंटे लग रहे हैं। अब क्या बोलता है, एंड टेक 16 मिनट मोर देन द पाइप बी, क्योंकि पाइप ए पाइप बी से 3 times स्लोअर है, इसके कारण उसको 16 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां से 3x - x करूं, अगेन वही इस 3 को मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया x, क्योंकि टाइम का डिफरेंस 16 मिनट का है, तो यहां भी मैं 3x - x = 16 करता हूं, ये हो जाएगा 2x = 16, या फिर मैं कह सकता हूं x = 8। और आपसे पूछा क्या, हाउ मच टाइम विल पाइप बी टेक टू फिल द टैंक, आपसे तो सिर्फ यहाँ पे पाइप बी पूछा है, और ध्यान रखे पाइप बी का जो टाइम था वो x ही था और जो हमने सीधा सीधा निकाल लिया है। इसका मतलब यह है कि पाइप बी को उस टैंक को भरने में 8 घंटे का समय लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 and 16 minutes रिस्पेक्टिवली। पहले तो ये लिख लें जो हमको गिवन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 and 16 minutes रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम। देखिए ये अच्छा सवाल है, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 9 minutes। सवाल क्या है कि अगर हमारे पास दो पाइप है, एक है पाइप ए एक है पाइप बी, पाइप ए उस टैंक को भरने में 12 मिनट लेता है, 12 मिनट का समय लेता है, पाइप बी उसी टैंक को भरने में 16 मिनट का समय लगता है, ये बात तो हो गई। अब अगर दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए तो बताइए कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए ताकि पूरा का पूरा टैंक 9 मिनट में ही भर जाए। फिर से इस बात को समझिए, कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, मतलब पाइप बी पूरे अंतराल तक नहीं चलेगा, पाइप ए तो पूरे अंतराल तक चलेगा, पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाए ताकि जो पूरा का पूरा टैंक है वो 9 मिनट में भर जाए। पहले तो इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 * 12, 12 * 2 = 24, 12 * 3 = 36, 12 * 4 = 48, ठीक है, 16 * 16, 16 * 2 = 32, 16 * 16, 16 * 2 = 32, 16 * 3 = 48, इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 48, ठीक है, 16 * 16, 16 * 2 = 32, 16 * 3 = 48, 12 * 4 = 48, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये है 4, ये है 4 और ये है 3, इसका मतलब ये क्या है, ये टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक है, ये एक मिनट में ए का कैपेसिटी, मतलब ये एक मिनट में 4 लीटर भर सकता है, अगर इसकी टोटल कैपेसिटी लीटर में मान लूं मैं अगर, तो और ये जो है ये एक मिनट में 3 लीटर भर सकता है। अब ध्यान दीजिए बी को बंद करना है, हमको सवाल पूछ रहा है शुड बी बी क्लोज, बी को बंद करना है, लेकिन अगर मैं बी को बंद करता हूं तो भी तो टैंक 9 मिनट में भर रहा है। इसका मतलब ये है, ध्यान रहे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पाइप ए है ये पूरा का पूरा 9 मिनट तक चला है और पाइप बी किसी टाइम के बाद जाके बंद हो गया है, तो एक काम करते हैं ना, देख लेते हैं अगर पाइप ए ने पूरे 9 मिनट तक काम किया है तो पाइप ए ने 9 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा। देखिए पाइप ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है, तो इसका मतलब पाइप ए, देखिए 9 मिनट तक पाइप ए ने पूरा काम किया और पाइप ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है, इसका मतलब 9 × 4 = 36 लीटर। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पाइप ए अकेले ने पूरे 9 मिनट में 36 लीटर पानी भरा होगा, कितने में से, 48 में से, मतलब 48 लीटर में से 36 लीटर पानी तो पाइप ए ने ही भर दिया, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये हो जाता है, सॉरी माइनस करता हूं तो ये हो जाता है 12 लीटर। अब ये जो 12 लीटर बचा है, क्योंकि पाइप ए ने पूरे 9 मिनट भर के अपने पूरा काम कर लिया, इसके अलावा पाइप ए काम कर ही नहीं सकता, 9 मिनट मैक्सिमम टाइम है और ए की मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 लीटर भरने की, तो 48 में से 36 लीटर तो ए ने भर दिया। अब बात करें अगर पाइप बी की, तो पाइप बी कितना भरता है,
पाइप बी, इसका मतलब 12 लीटर पानी पाइप बी ने भरा होगा, और पाइप बी एक घंटे में तो 3 लीटर पानी भरता है, इसका मतलब यह है कि 12 लीटर पाइप भरने में इसको कितना समय लगा होगा, 4 मिनट लगा होगा। और इसमें हमारा जो जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 4 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दो ताकि पूरा का पूरा पाइप, पूरा का पूरा जो टैंक है वो 9 मिनट में भर जाए। अब देखिए हमारे पास, हाँ सारे सवाल खत्म हो गए, हमारे पास जितने भी सवाल थे, जितने भी अलग अलग तरीके के सवाल थे, मैंने वो सारे सवाल लेने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद आपको लगता हो कि किसी सवाल की, किसी एक्स्ट्रा सवाल की जरूरत हो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में, तो मुझको जरूर बताएं। देखिए मेरा पूरा का पूरा प्रयास है आप तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, और जिसमें सिर्फ आप रटने पे फोकस ना करें, आप जिसमें समझने पे फोकस करें। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी तरीके की ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है प्लीज मुझको बताएं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनी पेनी फ्रॉम यू गाइस, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप मुझको ये बता दे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, आप मुझको ये बताएं आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक की जरूरत है, और आप इस बात का यकीन मानिए कि आपको मैं वो टॉपिक पूरा का पूरा यहाँ पे पर्सनलाइज क्लास जैसा लूंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले किसी टॉपिक की ओर, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।